बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी दोस्तों, कैसे हैं सब? उम्मीद है सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, फिट होंगे, ज़बरदस्त होंगे। आज दोबारा एक लीड जनरेशन की वीडियो के साथ आपके सामने हाज़िर हुआ हूँ। ये मैं पहले बनाई थी ज़िलों के ऊपर, और ज़िलों पे क्या बनाया था हमने, ज़िलों पे फ़िल्टर्स वगैरह यूज़ करने के बारे में, लीड जनरेशन के बारे में, हर चीज़ के बारे में बनाई थी। और एक थी लिस्टिंग FSBO क्या है, ठीक है ना। इसके बारे में मैंने वीडियो पहले बनाई हुई है, वो आप लोगों ने देखी होगी, ठीक है, कि FSBO होता क्या है। FSBO का मतलब है फॉर सेल बाय ओनर, ठीक है। FSBO लिस्टिंग्स किसे कहते हैं या लीड्स किसे कहते हैं, जो फॉर सेल बाय ओनर होती हैं, जिन्होंने ओनर्स ने खुद लगाई हुई होती हैं, ठीक है। आज ये FSBO.com वेबसाइट है जिसके बारे में मैंने जो है बताना है, एक ट्यूटोरियल एक किस्म का ये, कि इसको यूज़ कैसे करते हैं, यहाँ फ़िल्टर वगैरह कैसे हैं, या इसमें से डाटा कैसे जो है पुल करना होता है, ठीक है। तो शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने कैमरा नहीं चलाया, वो इसलिए ताकि फुल स्क्रीन में जो है वो आप लोगों को समझा सकूँ, ठीक है जी। और अगर नए आए हो भाई चैनल पे, तो चैनल सब्सक्राइब कर दो, बेल नोटिफिकेशन जो है उसको ऑल पे क्लिक कर दो, ताकि मेरी जितनी नई वीडियोज़ हों आप लोगों को मिलती रहे, ठीक है, और इन्फॉर्मेशन की और स्किल्स की एक्सेट्रा एक्सेट्रा जो भी हों। चलें जी शुरू करते हैं। अब FSBO.com वेबसाइट का लिंक क्या कह लें, ठीक है, ये ना मुझसे पूछना यार बार बार कमेंट्स में या मैसेज में कि लिंक क्या है, ठीक है। अच्छा, अब FSBO.com मैंने खोल ली। अब हमने यहाँ से सर्च कौन सी करनी है, हमने बाय वाली सर्च करनी है, सर्च FSBO प्रॉपर्टीज़, ठीक है। यहाँ पे ओक्लाहोमा का एड्रेस हम दे देते हैं और इसको कर देते हैं सर्च, यानी कि आगे का बटन दबा दिया। अच्छा, अब ये हमारे पास निकल आई हैं लिस्टिंग्स, निकल आई हैं, ठीक है, लिस्टिंग्स तो आ गई, लेकिन यहाँ पे आप फ़िल्टर्स भी लगा सकते हैं। फ़िल्टर्स क्या होते हैं? फ़िल्टर्स का आप लोगों को पता भी, जिस क्राइटेरिया पर हमें क्लाइंट कहता है कि मुझे इस टाइप की चाहिए, कि कह लें कि इतनी माइल्स के अंदर हो, इस एरिए के इतनी प्राइस हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अभी ओक्लाहोमा सिटी हमने लगाया, सिटी लगाने के बाद हम करते हैं 25 माइल्स के अंदर हमें जो है प्रॉपर्टीज़ चाहिए, 25 में भी उतनी है, 75 कर देते हैं, 75 माइल्स के अंदर अंदर हमें प्रॉपर्टीज़ चाहिए, और मिनिमम प्राइस आप दे सकते हैं। अगर आपको क्लाइंट ने कहा है कि मुझे 10,000 से लग के इतने तक चाहिए, तो आप वो भी दे दें, यहाँ जितना आप ये लगाना चाहें, ठीक है ना, ये देख लें आप लोग। दूसरी चीज़ है मैक्सिमम मिनिमम प्राइस, बेडरूम काउंट कितने हो, बेडरूम कितने हों, बाथरूम कितने हों, ये आप लगा सकते हैं। उसके बाद आप सर्च कर सकते हैं, सिंपली सर्च का बटन दबाएंगे तो ये सर्च होगी, यहाँ पे आपको रिजल्ट्स आ जाएंगे, 8 होम्स फॉर सेल बाय ओनर फाउंड, ठीक है। अब 8 घर मिले हैं इसको यहाँ पे FSBO को ओक्लाहोमा सिटी के अंदर, मैंने ओक्लाहोमा किया था। हम अब इसमें जो डाटा है वो कैसे निकालना है, मेन चीज़ जो मेन पॉइंट है, और वीडियो यार पूरी देखा करो, अगर कोई ट्यूटोरियल समझना है, कोई स्किल समझनी है तो ठीक है, अगर आप लोगों ने नहीं समझनी तो भाई फिर ना देखना, आपकी मर्ज़ी है, लेकिन अगर आपने समझनी है तो वीडियो लाजमी देखना सारी की सारी, ठीक है। इसको हम ओपन कर देते हैं, और दूसरी चीज़ मैं ओपन क्या करूँगा, मैं ओपन कर दूँगा एक्सेल। एक्सेल क्यों करूँगा, एक्सेल इसलिए करूँगा ताकि आपको मैं आइडिया दे सकूँ कि हमने डाटा जो है वो कैसे क्या क्या लिखना है, किस तरह से लिखना है, ठीक है। इस पर एक ही वीडियो बना रहा हूँ मैं, ये आप लोग काइंडली पूरी देखना FSBO.com पे, ताकि आपको पूरा आइडिया हो जाए, ठीक है। एड्रेस RESS एड्रेस हो गया, एड्रेस के बाद क्या हम लिख सकते हैं, सिटी, सिटी के बाद क्या होता है, स्टेट होता है, स्टेट के बाद ज़िप कोड होता है, ज़िप कोड के बाद हम लोग क्या डालते होते हैं, कुछ है याद, आ जाएगा यार, कोई मसले वाली बात नहीं है, हम लिस्टिंग प्राइस डाल देते हैं, ठीक है, लिस्ट प्राइस, ठीक है, लिस्ट प्राइस के बाद हम ओनर नेम, ठीक है, और ओनर फ़ोन। अच्छा, मैं पिछली वीडियोस के अंदर आप लोगों ने देखा होगा कि मैंने जो है ओनर फ़ोन यहाँ पे नहीं दिया, ठीक है, ओनर फ़ोन क्यों नहीं दिया। अभी हम FSBO.com जो है वेबसाइट इसको यूज़ कर रहे हैं, और इसको यूज़ करते हुए हमें यहाँ से बहुत ज़्यादा जो है चांसेस होते हैं कि हमें ओनर का नेम और ओनर का फ़ोन नंबर दोनों चीज़ें मिल जाएंगी, ठीक है। अब दोनों चीज़ें मिल जाएंगी तो हमारे लिए तो भाई वेल एंड गुड है ना, ठीक है। अब ये आपके सामने, ये हम स्ट्रीट एड्रेस, यानी कि स्ट्रीट एड्रेस कह सकते हैं, या इसको आप एड्रेस कह सकते हैं, ये आ गया एक चीज़। दूसरी चीज़ क्या है, ओक्लाहोमा सिटी के अंदर मौजूद है, और हमने इसको भी निकाल लिया, ठीक है, इसको निकालने के बाद ओके, एंड 73103 इसका ज़िप कोड है, इसको हम ओके वैसे ही लिख देंगे। अच्छा, अब इसकी एक चीज़ और थी, वो क्या है, वो है लिस्ट प्राइस $250 इसकी जो है लिस्ट प्राइस है, ये भी हमने डाल दी। अच्छा, अब ओनर नेम,
अब मेन ये चीज़ यहाँ मज़े का काम होने वाला है इस fsbo.com में। इसके लिए अगर आप fsbo.com यूज़ कर रहे हो तो यहाँ आपको स्किप ट्रेसिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती। क्यों नहीं पड़ती? वो इस वजह से नहीं पड़ती कि आपको यहाँ डिटेल वैसे ही सारी मिल जाती है, ठीक है। एक चीज़ तो मैं भूल गया यार, बेडरूम, बाथरूम, गैरेज, रेजिडेंशियल, ये सिंगल फैमिली। यहाँ अगर आपको क्लाइंट कहता है कि जी मुझे इतने बेडरूम वाली बेडरूम का काउंट भी दो, मुझे उसका बाथरूम का काउंट दो, मुझे गैरेज का बताओ, और टाइप कौन सी प्रॉपर्टी की, रेजिडेंशियल है या कमर्शियल है, कौन सी है, या सब टाइप कौन सी है, सिंगल फैमिली, ये वो, ये सारी चीज़ें यहाँ नीचे दी हुई हैं। आप लोग देख रहे हैं ईयर बिल्ड 1920 का है, स्कूल डिस्ट्रिक्ट आ रहा है, सब डिवीजन आ रहा है, इसके प्रॉपर्टी के बारे में ये नीचे डिटेल्स भी दी हुई है, डिस्क्रिप्शन प्रॉपर्टी की जो लिखी गई है उन्होंने लिखी हुई है, ठीक है। एमिनिटीज़ जो हैं, ब्रिक कंस्ट्रक्शन है, ये सेंट्रल एयर है, सेंट्रल हीट है, बेडरूम ऑन मेन है, बोनस रूम, सारी चीज़ें यहाँ पे मौजूद हैं इसके ऊपर, ठीक है। हमने बेड बाथ तो वैसे यहाँ लिखे नहीं, वो जहन से निकल गया, ये बेड का और ये बाथ का हमने डाल दिया। बेड कितने हैं इस प्रॉपर्टी के, बेडरूम 3 हैं, बाथरूम 2 हैं, ठीक है, 3 और 2 3 एंड 2। अच्छा, अब क्या चीज़ रहेगी, ये एक चीज़ है यहाँ लिखा हुआ कॉन्टैक्ट ऑनर, क्लिक करो भाई, मज़े का काम हो गया। ये आ गया मिचेल डुन, ओ डुन साहब आ गए हैं, मिचेल डुन, ये इसका हमने नेम डाल दिया, ये इसका भाई फ़ोन नंबर भी हमें यहीं पे अवेलेबल हो गया, ठीक है। अब फ़ोन नंबर भी अवेलेबल हो गया है, हमारे पास एड्रेस भी आ गया है। अब पहले हम क्या करते थे, हम लिस्टिंग निकालते थे, एड्रेसेस, प्रॉपर्टी एड्रेसेस, फिर काउंटी की वेबसाइट पे जाओ जी, वहाँ पे जाके ओनर का नेम निकालो, ओनर मेलिंग एड्रेस निकालो, फिर वहाँ से उसकी स्किप ट्रेसिंग करनी पड़ती है। अब FSBO में ये चीज़ें नहीं होती, FSBO में आपको डायरेक्ट जो है ओनर उसकी डिटेल्स मिल जाती हैं, तो आप सिंपली उसकी डिटेल यहीं पे पुल करोगे। अब आपका जो क्लाइंट है वो उसको सीधा यहीं पर रब्ता करेगा इस नंबर के ऊपर, ठीक है। एक रिकॉर्ड और करके वो दिखा देता हूँ कि ये हम बैग गए, ठीक है, और हमने निकाल ली ये सेकंड लिस्टिंग। सिंपली वही क्राइटेरिया कि आपने स्ट्रीट एड्रेस निकाल लेना है, ठीक है, स्ट्रीट एड्रेस भी कहते हैं, एड्रेस भी कहते हैं, जैसे कि पहले मैं आपको बता चुका हूँ पिछली वीडियोज़ के अंदर भी। और ओ नहीं यार, ऐसे अच्छा, इसको मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया क्योंकि सेम सिटी सेम स्टेट है, तो उसके लिए मैं टेंशन नहीं लूँगा कि बार बार उसको एक एक को इधर से ला ले जाके उधर कॉपी पेस्ट नहीं करूँगा। अच्छा, अब इसका भी डिटेल निकालना है, 4 बेड है, 3.5 बाथ है, ठीक है, 4 बेडरूम है, 3.5 बाथरूम है, और क्या है ये कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, वाओ, ब्रेड स्ट्रीट मैन, वाह, स्ट्रीट मैन सड़क पर रहता है, चलो यार यार क्या कर रहा है, डबल क्लिक हो जाना, डाटा डबल क्लिक करके पेस्ट किया करें ताकि आपकी जो शीट की फॉर्मेटिंग है वो बिल्कुल ज़बरदस्त रहे, कोई टेंशन ना हो, ठीक है ना, इस बात का खास ख्याल रखना है। अब मैंने ये 2 लिस्टिंग आपको निकाल के दिखा दी हैं कि हमने एड्रेस पूरा उसका निकाला, ठीक है, एड्रेस निकल आया, उसकी लिस्ट प्राइस निकल आई, उसका ओनर नेम निकल आया, ओनर फ़ोन निकल आया, बेडरूम कितने हैं, बाथरूम कितने हैं, इन चीज़ों की डिटेल भी हमारे पास जो है वो ईज़िली आ गई है। ये होती हैं जी FSBO लिस्टिंग निकालने का तरीका FSBO.com से, ठीक है। सिंपल से इसके फ़िल्टर हैं, प्राइस के, माइल्स के, बेडरूम, बाथरूम, बस आपने यही लगाना है, अपना एड्रेस डालना है कि हमने कहाँ ढूंढनी है, और वहाँ आप निकाल सकते हैं। आप यहाँ पे इसको चेंज करके तुलसा सिटी का कर देते हैं, तुलसा सिटी है, ओक्लाहोमा में ही है, ठीक है, तो यहाँ पे भी ये लिस्टिंग निकल आई हैं। सेम क्राइटेरिया आप इसका भी करके वैसे डाटा निकाल सकते हैं, ये स्ट्रीट एड्रेस वगैरह, नीचे बेड बाथ, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ऑनर फ़ोन नंबर, अब यहाँ इसके ऑनर के 2 नंबर दिए हुए हैं और सेम ही दिए हुए, 2 दफ़ा दिए हुए हैं, हम तो एक ही निकालेंगे ना क्योंकि सेम नंबर दिया हुआ ना, ठीक है, रिटर्न गैर करना है। तो ये सिंपल सा खुलिया है FSBO.com यूज़ करने का, लीड जनरेशन का एक तरीक़ाकार है, तो अक्सर क्लाइंट को ये चाहिए होता है, तो ये आपको मैंने प्रोसीजर बता दिया कि यहाँ पे आपने काम करना कैसे है, ठीक है। ठीक है जी, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ किसी और टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।